औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपको ये मिसाल बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको ये बताया कि ये सेलफोन है और आप सेलफोन यूज़ करें और जो है मेरे दोनों भी सेलफोन चार्ज पर है, ये चार्ज पर लगा, ये चार्ज नहीं है। अब आपको बता रहा हूँ, जैसे ही आप सेलफोन खोलेंगे, सेलफोन पे आप खाली एस बोल के डालो, क्योंकि मैं सूरह रहमान सुनता हूँ, सूरह यासीन मेरा जो है सेटअप है ऐसा मेरे सेलफोन में, ये ऑटोमेटिक वो लोग बना के दिए सोए मेरा सिस्टम, तो मैं एस बोल के सूरह रहमान डालता हूँ। गौर करें आप, गौर तलब बात है, तवज्जो फरमाएं, आपके जन्नत के लिए मैं रास्ता खोल के दे रहा हूँ, मैं आपको वाकई जन्नत में ले जाऊँगा इंशाल्लाह, ये मेरा वादा रहा, मेरी काविश है, मेरी मेहनत है और मेरा ख्वाब है कि आप भी जन्नत में रहें मेरी तरह। तो मैं ये क्यों खोल के बता रहा हूँ, वसीम रजवी जो दखिया न्यूज़ ख्यालात का है, सैयद वसीम रजवी, उसने जो है मोदी के पास एक ऐसी कुरान बना के भेजा जिसमें से 36 आयतें निकाल दिया और वो बोला कि शुरू सूरह फातिहा से लेके कुल औज़ु बिरब्बिन नास आखिर का जो 114 पर इख्तिताम है वो सूरह, उसकी तरतीब भी अंदर से बदल दी बताया। तो उसको मोदी के पास ये लेटर जाने के बाद मोदी ये नहीं सोचा कि हिंदुस्तान में जो है कोहराम मच जाएगा, ऐसा आग लगेगी मुसलमानों के घरों में कि उससे ये पेंडेमिक का जो टाइम है नथिंग है, क्योंकि उसके दिल पर हमला होगा। ये वसीम रजवी का जो ये जो हथियार चलाना है शैतानी, मुसलमानों के दिलों को मजरूह कर देगा, घायल कर देगा, जख्मी कर देगा, वो अपने आप से बाहर निकल जाएंगे। ये बात मोदी ने सोचा और उसके लेटर को फौरन वापस कर सकता था वो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसको जो है सज़ा भी दे दी 50,000 की और उसको रिजेक्ट भी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और फिर मोदी ये साफ कह सकता था, क्योंकि ये शैतान है मोदी, सिर्फ मुसलमानों की जो है तारीख को मिटाने मोदी और योगी और अमित शाह है, इस वास्ते आज मोदी हटाओ देश को बचाओ स्लोगन शुरू हो गया। ये दिन ज़्यादा नहीं चलेंगे, इसके बाद चप्पल से या इसको ऐसे ही जो है रोन देंगे इंसान, मोदी योगी और अमित शाह को। ये मेरे पूरे फोरकास्ट आप चेक कर सकते हैं 10 सालों में जो दिया, अब ये 11 साल शुरू होगा। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नेहतरम वाला है। मैं इस वास्ते कहता हूँ कि मैंने हर बार मेरे वीडियो में अल्लाह के नाम से शुरू किया वीडियो, और तुम देखेंगे हिंदू जो हिंदुत्व बोलता कभी भगवान के नाम से जो वो लोग शुरू करना चाहिए, जो एक पूजा के तौर पर शुरू करना चाहिए, या फिर अकीदत के एतबार से जो खुदा की तारीफ, भगवान की तारीफ, ईश्वर की तारीफ करना चाहिए, वो करे बगैर बोलना शुरू कर देते। मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, कहता हूँ उसकी तारीफ करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नेहतरम वाला है, जो या का नाबुद या का नस्ती ने, इस तरह से मेरे पूरे वीडियो ऐसी रहे। आप गौर कर सकते हैं, मेरे पास शैतान नहीं आ सकता मेरे वीडियो के वक्त। लेकिन योगी या अमित शाह या फिर मोदी बनाएगा या कोई भी इस्लाम का दुश्मन हिंदू बनाएगा तो वो जो सिर्फ आग उगलेगा जबान से और भगवान की तारीफ नहीं करेगा, हिंदुत्व शैतान है मालूम हो जाएगा। पहली निशानी मेरे 10 साल की बता रहा हूँ मैं आपको। तो योगी ये जो है मस्जिदों को शहीद कर रहा और योगी फूट डाल दिया बीजेपी आरएसएस में, अब इसका दिवालिया इन्हें जा रहा है, अब इसके दिन ख़त्म हो गए योगी के भी। और योगी की वजह से ही जो है हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये आगे हिंदुत्व का
रामराज का सहारा लेके प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहा, जबकि मैं सोच रहा हूँ ममता बनर्जी बनेगी, इंदिरा की भतीन जो है उसको याद मिटा देगी, इंदिरा को भी मात दे देगी ममता बनर्जी अगर से प्राइम मिनिस्टर बनती है तो, अगर मेरी मेरे फोरकास्ट सही निकलते हैं, क्योंकि मैंने मोदी 7 साल पहले आने से पहले मेरे मुसलमानों को जगाना चाहा, मगर मुसलमान सो रहा। नूह अलैहिस्सलाम के मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में कौम ऐसी सो रही थी, वही आज मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत भी इसी तरह सो रही थी 7 साल पहले। इस वास्ते आज जो है हमारे को जो है बैठने की भी जगह नहीं है, चैन से सोने की जगह नहीं है, कारोबार करने के लिए भी जो है हमारे पास जो है कोई भी मुहैया करने वाला मदद नहीं है। इंडिया में बेरोजगारी बढ़ गई, मुसलमान की भी, किसान भी अगर मुसलमान है तो खुदकशी कर रहा। तो ये 7 सालों में हुआ, और अब योगी ये चाहता है कि आगे का इलेक्शन वो जीते, प्राइम मिनिस्टर वो बने, इस वास्ते वो रामराज बोल रहा, और रामराज ही फेल हो गया। अभी उसके जो चीफ मिनिस्टर के मूवमेंट में आप देख सकते हैं। अब मोदी की तरफ मैं आ रहा हूँ, मोदी अगर से ये केस को जब ही वापस कर देता, वसीम रिजवी के लेटर को, कहता कि भाई इंडिया में हर मजहब वाले को जो है अपने इबादत के अतबार से, अकीदे के अतबार से, मजहब के अतबार से जीने का हक है, यहाँ का कानून है, कहता तो बात जब ही ख़त्म होती। लेकिन मोदी इस वास्ते बढ़ावा दिया, इससे पहले भी 3 तलाक के खुद में ऐसे ही बेवकूफ़ बनाए मुसलमानों को, उसकी सज़ा अब तक देख रहा पेंडेमिक की। अमित शाह बोल रहा कि ये मोदी कम अरसे में सेकेंड वेव को काबू में कर लिया, तीसरे वेव का इंतज़ार कर अमित शाह, लेकिन तू वर्ल्ड का रिपोर्ट नहीं देख रहा, 40 लाख से ज़्यादा इंडिया में इंसान मर गया, तू झूठ के ऊपर झूठ बोल, सारी दुनिया को मालूम होगा कि झूठा बीजेपी और आरएसएस है, और तू क्या, तेरा अमित शाह क्या, मोदी क्या, योगी क्या, तुम जितना भी झूठ बोलोगे, रामदेव क्या, तुम जितना भी झूठ से रजी वसीम रजवी को सामने लाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। इस वास्ते कि मैं ये इस खाली सूर्य रहमान बताया, अगर मैं सूर्य रहमान डालता हूँ तो हर कंट्री के खारी का खिरात आती है सूर्य रहमान जो उन्होंने तिलावत की हर कंट्री की। अब आप बताओ अगर इन्हें कुरान का जो नुस्खा जो मोदी को दिया उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। इस वास्ते कि मदरसे में भी बच्चे उसको जो है खाली ताक्षों में रख देंगे, वो कोई नहीं पड़ेगा, जूसदानों में रहेगी, रिहाल पर रखी हुई रहेगी, या फिर जो है जैसे मस्जिदों में खाली पारे रखे हुए रहते हैं, कुराने रखे हुए रहते हैं, कोई पढ़ता नहीं, उसी तरह रखी हुई रहेंगी, और लोग सिर्फ इस पे तिलावत सुनेंगे और इससे सीखेंगे आज, क्योंकि इस पे फ्री ऑनलाइन कई जो है कुरान सिखाने वाले आ गए, अरबी सिखाने वाले आ गए, तर्जुमा बताने वाले आ गए, तफसीर दिखाने वाले आ गए, और कहाँ गलत है कहाँ सही है, ये सारे जो है हदीसों का ज़ईफ और सही हदीस क्या है, सही कुरान का तर्जुमा क्या है, इस तरह के भी कई हर चीज़ टेक्नोलॉजी से, अल्लाह ने हमको टेक्नोलॉजी का मजहब दिया, इस वास्ते ये हिंदू नहीं समझ सकता, रजवी भी नहीं समझ सकता, सिर्फ इंडिया में साजिश करने के लिए ये मोदी और अमित शाह और योगी रजवी को सामने लाए, लेकिन वो भी जो है फेल हो जाएगा इंशाल्लाह, ये मेरा वादा है। अब आपको मैं 2 बातें बताऊंगा, इमरान खान को आप देख रहे हैं, इमरान खान 2.5 साल में उसको यानी इलेक्शन के ज़माने में 20 साल से जो कर रहा उन्हें कोशिश सियासी उसमें मार डालाना चाह असासिनेशन करना चाह कत्ल करना चाह, लेकिन वो अल्लाह उसको बचा लिया, फिर उसके बाद में उसने माफ़ कर दिया, अब भी साजिश कर रहे हैं उसके खिलाफ, लेकिन अल्लाह उसको ऊपर ही उठा रहा, वैक्सीन उसकी कामयाब भी, अभी उसकी इकानमी अभी भी नॉट बैड है, बांग्लादेश की नॉट बैड है, इंडिया की पूरी इकानमी कुपा हो गई, इंडिया के अंदर किसान खुदकशी कर लिए, इंडिया के अंदर 1 साल के अंदर 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, इंडिया के अंदर जो है अब मोदी को हटाओ देश को बचाओ का नारा शुरू हो गया, यहाँ दुनिया ये देख रही इमरान खान तरक्की कर रहा, दुनिया देख ली 1992 का ये हीरो है, दुनिया देख ली कि इन्हें वैक्सीन का अब हीरो है, दुनिया देख ली कि ये जो है मुसलमानों के लिए कुछ करने के लिए आगे बढ़ रहा, ना कि सिर्फ
पाकिस्तान बल्कि हर वो मुस्लिम ममालिक भी गया मुसलमानों को एकजा करने के लिए। अल्लाह करे कि उसका मिशन ये कामयाब हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह हीरो की तरह उभरा, ये एजुकेटेड है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, ये मॉडल रहा, यानी मैगजीनों में भी मॉडलिंग किया इसने, ये क्रिकेट का हीरो रहा, ये जो है दुनिया के अंदर हलाल कमा के हलाल से जिया, और चाय वाला ये पढ़ा लिखा भी नहीं है, अनपढ़ है, शादी किया तो औरत के साथ नहीं रहा, औलाद भी नहीं पैदा करा। यहाँ इमरान खान शादी किया, दो बच्चे पैदा किया, और ये मर्द अपने आप को साबित करने के लिए आप बीवी के साथ जो है हम सफर है, साथ साथ है उसके। तो इस तरह से कंपेयर अगर आप करेंगे तो 2.5 साल के अंदर का जो छोटा टाइम है इसमें इमरान खान उभर के आया, और 7 साल के अंदर जीरो की तरह ये जो मोदी हीरो से जीरो हुआ, ये आपके सामने जलील होते हुए जेर हो रहा, तुम्हारे सामने, अल्लाह हू अकबर।